काशिद बीच में है, और घर से हम सुबह निकले थे 8 बजे, क्योंकि हम खोपोली में रहते हैं, तो 8 बजे निकले थे और यहाँ पे हम 11:30 बजे पहुँच गए, क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ रास्ता जो है ख़राब था, और काफ़ी रास्ता मतलब 80% रोड काफ़ी अच्छा है, 20% में रोड थोड़ा सा ख़राब है, बट यहाँ आने के बाद जो रास्ते की तकलीफ थी सब दूर हो गई, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही बढ़िया है, जो हम आपको भी दिखाएंगे। और जो बोलना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स हैं, जैसे बनाना राइड्स है, जेट स्की है, स्पीड बोट है, और हॉर्स राइडिंग है, कैमल भी हैं, और इसके अलावा तांगा भी है, जिसमें तांगा राइड तो हमने भी ली है, 50 रुपये में भी टांगा राइड मिले। बाकी वाटर स्पोर्ट जो है थोड़ी कॉस्टली पड़ते हैं, जेट्स की भी है और पैरासेलिंग भी है यहाँ पे, आप आके इन सब चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है मौसम, तो थोड़ा सा ठंडी की वजह से हल्का ठंडा भी है और हल्का गर्म भी है धूप की वजह से, तो मिला जुला जिसको बोलते हैं ना गुलाबी सर्दी वाला जो मौसम होता वैसा है, और काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है। और यहाँ आप जैसे सराउंडिंग में बहुत सारा आप आवाज़ सुन रहे होंगे, पानी का शोर भी है, जो बाइक्स चल रही हैं उनका भी थोड़ा आवाज़ है, और हॉर्स राइडिंग है, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा है। आप यदि यहाँ आना चाहते हैं तो एक दिन के लिए, वीकेंड के लिए बहुत बढ़िया जगह है, आप यहाँ आ सकते हैं। और आने के लिए जगह वेल कनेक्टेड है, मुंबई से भी, पुणे से भी, तो पुणे से आते हैं तो वाया खोपोली आना पड़ता है, मुंबई से आते हैं तो पनवेल होके आ सकते हैं, और फेरी भी चलती है, जो मुझे जो आइडिया है कि फेरी वहाँ भाऊ की ढाका से चलती है, तो यहाँ पे मांडवा पे आके अलीबाग में लोग उतरते हैं, और फिर वहाँ से बाइक से, कार से, जो भी अपना अपलोड करके आते हैं वहाँ से, यहाँ से अनलोड करके उसमें से यहाँ आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो सैंड है, वाइट सैंड है, बाकी जगह जाएंगे तो थोड़ा सा मडी सी मिलेगा, और वाटर तो उतना क्लीन नहीं है बट अच्छा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको झूला मिलेगा, खाट मिलेगी, और आजकल चेयर्स लग गए हैं, बहुत सारे स्टॉल लग गए हैं, ये कुछ साल पहले नहीं था हमारे, कुछ मेरे को लगता है मैं 2-3 साल पहले आया था, तब इतना कुछ डेवलप नहीं था, बट अभी ये काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है। यहाँ पे आपको खाने के लिए मैगी, भुर्जी एंड मिसल पाव, बड़ा पाव, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, खाना भी मिल जाता है स्टॉल में, चाय वगैरह पीने के वगैरह अच्छा मिलता है। तो आप आगे यहाँ का भी एक दिन मतलब 5 से 6 घंटे अच्छे से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ अपने साथ सामान कैरी करके लेके आ सकते हैं, फुटबॉल लेके आ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। पिकनिक मनाने के लिए आप देख रहे हैं जैसे बैक साइड में जो स्टॉल है उसके बैक में फॉरेस्ट दिख रहा है, तो वहाँ भी काफ़ी स्पेस है, आप मैट लेके आइए, बिछाइए और वहाँ बैठ के आराम से फैमिली के साथ, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। और ये कोंकण रीजन में आता है, यहाँ पे पास में एक और बीच है जिसको हम मुरूड जंजीरा बोलते हैं, और ये मौसम मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो मौसम रहता है यहाँ के लिए 4 महीने, तो ना गर्मी लगेगी ना आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आप आनंदित होंगे। तो सॉल्टी वाटर है यहाँ पे, और आप देखेंगे नहाने के बाद क्या, जब आप सॉल्टी वाटर नहाते हैं तो बॉडी थोड़ा सा हल्का कहना चाहिए सॉल्टी हो जाती है। यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं उन लोगों ने पानी की व्यवस्था कर रखी है, 20 रुपये में 1 बकेट वाटर देते हैं, तो आप अपना बॉडी वॉश वगैरह कर सकते हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा लुत्फ ले सकते हैं पूरा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे। तो कहना चाहिए कि आप एक दिन अच्छे से यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। इनको खाना वाना खिलाते हो कि नहीं यार, तगड़े हैं ना,
चल यहाँ के बाद पूरा पत्थर है फिर आगे बस पिछले कुछ साल में बहुत डेवलप हो गया यार। जेटी हो रहा है नहीं जेटी हो रहा है क्या? हाँ इधर से बम्बई डायरेक्ट सीधा। अच्छा ओके ओके भाव का धक्का मारे ना उधर जाए। कहाँ से? भाव का धक्का। अच्छा भाव का धक्का, तो भाव का धक्का से अभी तो आता था फेरी। हाँ वो मांडवा में। अच्छा मांडवा आता है अलीबाग। अलीबाग अलीबाग में फिर लोग फिर बाइक से यहाँ आते हैं ना। चलो हो गया।